अजमेर की तंग गलियों से निकलते हुए मैं अब जा रहा हूँ कुछ मीठा खाने के लिए, और उसको खाने के लिए मैं एक बहुत ऐसी जगह पर जा रहा हूँ जो 50-60 साल करीबन पुरानी होगी। आगे की हिस्ट्री तो मैं वहीं जाके पूछ के बताऊँगा आपसे। मैं खा रहा हूँ अजमेर का फेमस फालूदा खाने के लिए, चलिए चलते हैं। मैं जो दूसरी जगह पे आया हूँ, जो पहली जगह पे था फालूदा खिलाने के लिए आपको लेके गया था मैं, लेकिन वहाँ पे कहीं शूटिंग अलाउ नहीं है तो मैंने वहाँ पे शूटिंग किया नहीं, तो बता भी नहीं पाया। हालांकि वो वहाँ का बहुत फेमस है फालूदा। तो एनीवे, जो भी है 50-60 साल पुराना है, कुछ सिंधी कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने यहाँ पे आके जब इस्टेब्लिश हुए थे, जब अजमेर में आके, तो उन्होंने जो है फालूदा यहाँ पे शुरू किया था। तो फालूदा तो मैं आपको दिखा नहीं पाया, आप लोग अगर अभी अजमेर आते हैं तो आप लोग फालूदा ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो मेन चीज़ है मीठा, मैंने जो कि कमिटमेंट किया था मीठा है, तो तीसरा भी जो है वो मीठा ही है। मैं आया हूँ आज़ाद स्वीट्स में, और आज़ाद स्वीट का जो है सोन हलवा बहुत ज़्यादा फेमस है। बचपन में मैं बहुत ज़्यादा क्रेज़ी था सोन हलवे के लिए। आज मेरे को वही अंकल मिले दिखे हैं जो पहले बैठा करते थे, आज भी वही हैं। और चलिए एक बार अंदर चलते हैं और आपको बताता हूँ कितने टाइप का इनके पास सोन हलवा है और ये आज भी उतना ही क्यों फेमस है। तो चलिए चलते हैं। हमारी दुकान सन 47 से ही यहाँ मशहूर चल रही है आज़ाद के नाम से ही, और यहाँ का सोन हलवा और दूसरी कई वेराइटियाँ जो है हम बनाते हैं जो हर जगह भी नहीं बनती है, जैसे कराची हलवा है, सोन पपड़ी है, पतीशा है, नारियल की मिठाई है, अखरोट बर्फी है, गुलाब जामुन है, ये कई वेराइटियाँ हैं हमारे पास, कम से कम 50 वेराइटी है। सोन हलवा कितने टाइप का है? सोन हलवा दो टाइप का है, केसर में है, विदाम बिना केसर में। मेरे साथ अनिल भैया हैं और ये जो हैं ऑनर ही हैं, मतलब जिनसे मैंने मिलाया था उनके बेटे हैं। ये मेरे को अभी बता रहे थे कि जो कराची हलवा है उसकी वैरायटीज़ बहुत टाइप की होती है, तो जब इन्होंने मेरे को बताया तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो भैया मेरे को बताओ कि जो आपने कराची हलवे के बारे में बताया मेरे को, कितनी वैरायटीज़ हैं? चार वैरायटी होती है कराची हलवे में। बादाम, अंजीर, मिक्स ड्राई फ्रूट एंड पिस्ता। ओके, सो ओनली डिफरेंस इज ऑफ ड्राई फ्रूट, फाउंडेशन चारों का सेम होता है। अच्छा, किसी तरह ड्राई फ्रूट से डिफर करते हैं? सिर्फ ड्राई फ्रूट से, किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा केमिकल्स वगैरह किसी तरह का कुछ नहीं है, नो कलर, कोई ऐसा सब कुछ नेचुरल है, जो भी कलर है, ठीक है। तो अभी जो मैं कराची, अभी मैंने सोन हलवा तो पैक करा लिया है, सोन हलवा का टेस्ट मैं हमेशा ही जानता हूँ, हमेशा बेस्ट है। बचपन में छोटा था, मुझे पता नहीं था इतनी सारी वैरायटीज होती हैं, तो मुझे पता नहीं था, तो मुझे कराची हलवे के बारे में पता चला। मैं एक जो वैरायटी है वो मैं जरूर टेस्ट करके आप लोगों के साथ बताऊंगा कि कौन सा है। ये वाला है पिस्ता हलवा, ये पिस्ता हलवा है, पूरा पीस बताओ। ये मैंने छोटा सा पीस लिया है पिस्ता हलवा का, ठीक है। इसमें सबसे अच्छी बात ये लगी मेरे को कि मीठा बहुत लिमिटेड है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ पिस्ता बिटर होता है, तो स्वीटनेस को थोड़ा दबा के रखना है। तो हर एज का जो आदमी है वो इसको खा सकता है, क्योंकि मीठा कम है, शुगर के लोग, जिनको शुगर है वो भी लोग खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही लाइट शुगर है इसमें और च्यूई है, बहुत ही टेस्टी है। ये इस तरह का आता है, इसकी प्राइसिंग कितनी है? ये 1200 रुपीज़ के जी, ये 1200 रुपीज़ के जी है। ऑल प्राइजेज आर डिफरेंस, बादाम वाला 300 रुपये किलो है, अंजीर 360, मिक्स ड्राई फ्रूट 500, पिस्ते वाला 1200। ओके, और ये हमने लिया है सोन हलवा, ये पैक करा लिया है सोन हलवाई को।
दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं चौपाटी पे और ये अजमेर का काफ़ी हैपनिंग प्लेस है। यहाँ पे जो है छोटी छोटी जो है दुकानें लगती है और आज से नहीं लगती है, जब मैं छोटा था तब से लगती हैं। जैसे कि मैं आज की वीडियोस में आपको ये भी शेयर करने जा रहा हूँ कि मैं बचपन से अब तक कौन कौन सी चीज़ें जो है अजमेर में मेरी यादों में जुड़ी हुई हैं, खाने में जुड़ी हुई है, वही सारी चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर जो मैं यहाँ पर अभी आप जो है एक शंकर गोलगप्पे है, ठीक है, यहाँ पर अभी पताशी खाएंगे और मैं शायद पताशी ना खाऊँ क्योंकि मुझे दही पपड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो गार्गी पताशी खाएगी, मैं दही पपड़ी ऑर्डर करूँगा और दही पपड़ी खा के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि कैसा है यहाँ का चाट। और चाट के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा जो मैं बचपन में यहाँ पर खाया करता था, इन्जॉय किया करता था और आज भी वो चीज़ें उतनी ही फेमस है जितनी बचपन हुआ करती थी। फाइनली मैंने अपने लिए लिया है दही पपड़ी और गार्गी ने पानी पूरी लिया था, पानी पताशी जिसे कहते हैं, कैसा था पानी पूरी? बहुत टेस्टी था, ठीक है। और एज यूजुअल जैसे कि अब मैंने आपको बोला ही था कि हम जो यहाँ पे अनासागर के यहाँ पे जो चौपाटी बैठती है तो वहाँ पे बेसिकली हर तरह का जो चाट है, चाट बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ की और मैं दही पूरी खा रहा हूँ। इट्स वेरी ऑसम और मैं हमेशा यहाँ पे आता हूँ, बचपन से यहाँ पे आता रहा हूँ और यहाँ पे जो दही पपड़ी है वो डेफिनेटली बहुत बार ट्राई किया है मैंने, शंकर पताशी वाले के खाया है मैंने, जो हमेशा से मैं यहीं से खाता हूँ। आगे और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ के बारे में, अनासागर के बारे में भी मैं आपको बताता, लेकिन मैं अनासागर के बारे में मैं आपको कभी और बताऊँगा जब मैं अजमेर को लेकर कोई ट्रैवल ब्लॉग बनाऊंगा, उस टाइम मैं आपका अनासागर और ऊपर बजरंगगढ़ भी है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं और हम क्या खा सकते हैं, और भी मैं आपको कुछ शेयर करूंगा जो मैं अपने बचपन में खाया करता था यहाँ पे और जो आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ऐसा नहीं है कि मैं बचपन में खाया करता था आज वो चीज़ें फेमस नहीं है, वो चीज़ें आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या खा सकते हैं। दोस्तों फाइनली जो ऑर्डर किया गया है वो किया गया है आलू टिक्की, ठीक है। ये मतलब बेसिकली जो प्रिपरेशन है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो नॉर्मल सा ही है, ठीक है, लेकिन जो खूबी है यहाँ की वो होता है हमेशा टेस्ट, तो इसको पहले टेस्ट करते हैं। तीखा है थोड़ा सा, थोड़ा सा ज़्यादा तीखा है, ओवरऑल टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है। अभी दो तीन चीज़ें और ऑर्डर करते हैं और देखते हैं उनका टेस्ट कैसा है। दोस्तों फाइनली चौपाटी का जर्नी मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि हमने दो तीन चीज़ें खा ली हैं ऑलरेडी, पेट हमारा सुबह से भर गया है खाते खाते। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं कुछ आपको शेयर करना चाहता हूँ जो जो चीज़ें मैंने फील करी हैं, जो मैं बचपन में खाया करता था, जो मैं आज खा रहा हूँ। जो पताशी है, जो दही पपड़ी है, वो वैसा ही टेस्ट है जैसे आज से 15 साल 20 साल पहले हुआ करता था, ठीक है। जो चाट है उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि जो आलू टिक्की है वो मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी जो मैं खाया करता था, लेकिन हाँ जो दूसरा आइटम था वो उतना ही अच्छा था जितना मैं पहले खाया करता था। तो ये जर्नी तो मेरी जो चौपाटी की है वो वहीं ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को ये जर्नी अच्छी लगी है तो प्लीज़ बताइएगा। एक छोटा सा मैंने कोशिश करी थी अजमेर आके आपके सामने एक फूड ब्लॉग, छोटा सा फूड ब्लॉग बनाने की कोशिश करी है मैंने आपके सामने। अगर आप लोगों को और अजमेर से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, अजमेर के फूड वीडियोस चाहिए, अजमेर से ट्रैवल वीडियोस चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में जाके मेरे को बताइएगा कि आप लोग और वीडियोस देखना चाहते हैं। और मैं गार्गी को भी एंड करने से पहले वीडियो को मैं लेके आ जाता हूँ उसको भी।
ओके सो इसी के साथ आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा. सुजॉय ने मैक्सिमम एफर्ट सुजॉय का ही था क्योंकि मैं ऑब्वियसली रिशान को संभाल रही थी. और मैंने व्यूअर्स को ये भी बोला है कि अगर आप लोगों को अजमेर का फूड ब्लॉग अच्छा लगा है तो आप लोग बताइएगा, हम आगे और भी दो तीन ब्लॉग बनाने की सोच रहे हैं. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो अभी हम दूसरे वीडियोस बनाएंगे अजमेर को लेकर. और जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे बहुत सारे घूमने की जगह भी है जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया इसलिए नहीं है क्योंकि उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक सेपरेट अलग टूर वीडियो बनाऊँ, जो ट्रैवल ब्लॉग बनाऊँ अजमेर को लेकर. तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट करिएगा. लेकिन वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है आप लोगों के कमेंट के ऊपर. आप लोग बहुत सारे जने कमेंट्स करते हैं लेकिन कई जने होते हैं जो इंस्टाग्राम पे हमें डीएम करके बताते हैं, बहुत सारे जने हमें डायरेक्टली बताते हैं. तो प्लीज़ हमें यहाँ पे वीडियो पे भी कमेंट्स करके बताइए. दैट विल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक ना इंकरेजमेंट हमें उससे मिलती है, बहुत ज़्यादा मीन करता है वो सारी चीज़ हमारे लिए. सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोग हमेशा की तरह इसी तरह से अपना प्यार हमारे साथ बांटते रहेंगे और जल्दी ही हम मिलने वाले आपसे दूसरे वीडियो पे. इससे पहले कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, आप लोगों को बोर नहीं करते और निकलते हैं. और इसी तरह से आंधी शुरू हो गई है और हम आप लोगों से आज ले रहे हैं. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा. यस टिल देन, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच.